गुज्जर आंदोलन एक बार फिर राजस्थान सरकार के लिए सिरदर्द बन गया। आज चौथे दिन भी गुज्जर आंदोलनकारी दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक पर पड़ाव डाले हुए। आंदोलन के कारण करीब 300 करोड़ का नुकसान हो गया। रविवार को धौलपुर हाईवे पर गुज्जर आंदोलन हिंसक हुआ। गुज्जर समुदाय और पुलिस आमने सामने आ गए। सरकार के द्वारा मांगे नहीं माने जाने से गुस्साए गुज्जरों ने पुलिस टीम पर पथराव किया और गाड़ियां फूंक डाली। भीड़ को हटाने के लिए हवाई फायरिंग करनी पड़ी। इसमें 4 लोग घायल हुए। हालांकि आज यहां शांति बनी हुई है। शांति के बीच गुज्जरों ने आंदोलन को धार देते हुए हाईवे पर चक्का जाम किया। हाईवे जाम है और प्रदर्शन जारी है। रेलवे ट्रैक आंदोलनकारी गुज्जरों का घर बन गया है। ट्रैक पर खाट लगाकर लोग दिन रात जुटे हुए हैं। यहां तक कि सड़कों पर ही रात में लोग सो रहे हैं और वहीं खाना भी खा रहे हैं। सबसे ज्यादा असर रेलवे पर हुआ। अब तक 55 ट्रेनें प्रभावित हुई हैं, जबकि 26 ट्रेनों के रास्ते बदल दिए गए हैं और करीब 80,000 रेल यात्री प्रभावित हुए हैं। अभी तक आंदोलनकारियों पर 3 मुकदमे दर्ज हुए हैं। करौली जिले के कलेक्टर ने कर्नल करोड़ी सिंह बैसला के घर के बाहर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना का नोटिस भी चस्पा कर दिया है। इसमें 2007 में जारी हुए हाई कोर्ट के आदेश की प्रतिलिपि चस्पा है। गुज्जरों के आंदोलन से प्रदेश की गहलोत सरकार धर्म संकट में पड़ गई है। गुज्जरों को मनाने की कोशिश जारी है। वही चुनावी साल में प्रदेश सरकार गुज्जरों के खिलाफ बल प्रयोग करके उनकी नाराजगी से बचना चाहती है। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज़।